इस चार तरह की जो मस्तिष्क रेखा मैं आपको बता रहा हूं इसमें नेगेटिव जरूर है लेकिन वो कमी है और अगर आपने अपने कमी को जान लिया तो कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से नमस्कार दर्शकों आप सभी का, का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मस्तिष्क रेखा के विषय में आज बात होने वाला है तो लेट नहीं करते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला मस्तिष्क रेखा अगर मस्तिष्क रेखा निकल रहा हो लेकिन वह तीन चार हिस्सों में बट गया हो ऐसे निकला इधर बट गया इधर बट गया इधर बट गया, इधर बट गया ऐसे फट गया जो दिखाई दे रहा होगा आपको फोटो में तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यही होता है दिमाग कमज़ोर है देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे नेगेटिव नहीं लेना है ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं ध्यान रखना चाहिए डरना नहीं चाहिए तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है और ये थोड़ा हेल्थ को लेके ध्यान देने की आवश्यकता है मेजर कोई हेल्थ का दिक्कत नहीं होगा लेकिन समय समय पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके चलना चाहिए हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ निकले जो अगर आपने पहले ही सही कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ ऐसे जातक में थोड़ा सा मूड स्विंग जैसा दिक्कत देखने को मिलता है वो छोटी छोटी बात को लेके चिड़चिड़ा जाते हैं चिड़चिड़ापन उनके मन में आ जाता है भावुक भी होते हैं इस वजह से कभी कभी कुछ कुछ बातें अगर सही बोला जाए तो इनको गलत लगता है तो एक चिड़चिड़ापन जैसा बिहेवियर डेवलप यहाँ पे हो जाता है दूसरा अगर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाए सीधा होता है लेकिन ये जाए और बिल्कुल नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और इमोशन ज़्यादा होना नुकसानदायक होता है क्योंकि कभी कभी लड़कियों को देखा गया है कि वो किसी पे इमोशन के कारण से बातों में बहक जाती हैं ट्रस्ट कर लेती हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस को देखा गया है बताने लोगों तो बहुत सारी बातें निकल के आएगा लेकिन जो कंसेप्ट है उसी पे बात करना चाहिए जो अपना अनुभव है ऐसा होगा तो होगा इमोशनल होने की वजह से स्वास्थ्य की भी दिक्कतें होती हैं तो एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को देता है तो उस पर हम नहीं जाने वाले मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो मतलब कुछ ऐसा आप सोचते हो ऐसा हो जाए ऐसे कर ले वो क्रिएटिविटी भी है क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है कल्पनाशील है क्रिएटिविटी अगर है तो कुछ आगे आप बढ़ने में बहुत मदद मिलता है आप बहुत आगे बढ़ सकते हो अपने क्रिएटिविटी को दिखा के जो कुछ लोग नया करते हैं ना हट के करते हैं ना ऐसे ही मस्तिष्क रेखे वाले होते हैं ठीक अगर मस्तिष्क रेखा तीसरा मस्तिष्क रेखा अगर सीधे है लेकिन एक दो हिस्सों में बट गया तो काम तो करेंगे ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे काम तो करेंगे मतलब लेकिन इनका एक जगह फोकस नहीं होता है समझ तो रहे ना लंबे टाइम तक काम नहीं करेंगे ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं उसी में उला जाते हैं अगर एक काम को वो ये ठाने ना तो बहुत अच्छा कर सकते लेकिन कभी एक काम को ठानेंगे नहीं सीधा रहना चाहिए मस्तिष्क रेखा सीधा रहेगा ऐसे ऐसे तो ये भी कर ले वो भी कर ले ऐसे कर ले वैसे कर, कर ले इसी में ये अपने आप को उलझाए रहते हैं जो दिक्कत है एक जगह फोकस होना है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाओगे चौथा मासिक रेखा नीचे जाके हल्का सा ऊपर मुड़ जाए नीचे गया ऊपर मुड़ गया भाग रेखा पे चला गया दिमाग तो बहुत शार्फ है बहुत ज्यादा दिमाग शार्फ है लेकिन आप अपने दिमाग का प्रयोग लोगों को खींचने में करते हैं नीचा गिराने में करते हैं आप अपने आप पर ध्यान दें आपको कैसे आगे बढ़ना है उस पर ध्यान दें कैसे काम करना है उस पर ध्यान दें टैलेंट की कमी नहीं है नहीं तो दूसरों में आप उलझे रहोगे अपने आप को डाउन कर दोगे तो आपको आगे बढ़ना है दूसरों में कोई इंटरफेयर कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है तो ये चार मस्तिष्क रेखा आपके लिए है वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर जरूर करेंगे जय हिंद जय भारत